दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गैंडी स्टॉक्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल्स के बारे में। दोस्तों ये कंपनी ये जो है इसके बारे में सबको पता है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल्स जो है ये रिटेल सेगमेंट से है दोस्तों, फैशन एंड रिटेल लाइफस्टाइल में। इसमें इसके बारे में तो आपको किसको नहीं पता, ये 18,963 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों। ये जो है इसका जो डिवीजन है मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल से है, जिसका बेस्ट ब्रांड है दोस्तों वो है लुइस फिलिपी, फिर है वैन विसेन, एलन सॉय, एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, तो अच्छे अच्छे ब्रांड्स है दोस्तों। फिर पेंटालून्स इसका जो है ये 40% इसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों। ये सब ब्रांड के बारे में आपको जरूर पता होगा दोस्तों, हम लोग यूज़ भी करते हैं बहुत जो है वो यूज़ भी करते हैं। तो ठीक है, मैं ब्रांड के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, और इसका अच्छे अच्छे टाई अप्स भी है जो मार्केट जो सेगमेंट ऑनलाइन मार्केट सेगमेंट्स है वो है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, स्नैपडील एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के साथ इसका अच्छे से लिंक है ताकि इसका मार्केट जो बिजनेस है अच्छे से चल सके, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। लेकिन दोस्तों मैं इसमें इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं पीछे हटूंगा, और पीछे हटने से पहले ये भी कहता हूँ दोस्तों कि अभी रिसेंटली इसका जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ था दिसंबर क्वार्टर का। उसमें उसने क्या किया कि उसमें उसने पहली बार 4 क्वार्टर लगातार लॉसेस के बाद इस बार वो प्रॉफिट दिखाया, 60 करोड़ के आसपास जो भी है इसके इस बार प्रॉफिट दिखाया। तो ये भी मैं अच्छी अच्छा बात मान रहा हूँ, ठीक है भाई इसने प्रॉफिट दिखा दिया कंपनी ने। अब चलिए इसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न, शेयरहोल्डिंग में भी इसका ठीक ठाक किया है, थोड़ा थोड़ा करके जो भी हो एफ आई डी एस, मैं उनको काउंट में कभी नहीं लेता लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ, एफ आई डी एस ने अपना स्टेक लिया, सब ठीक ठाक गवर्नमेंट का स्टेक बना हुआ है, और भी सब कुछ शेयरहोल्डिंग पैटर्न में ठीक है, मुझे इससे कोई हर्ज नहीं दोस्तों। मेरा एनालिसिस के अनुसार जो इसके है ना, हम इसके ब्रांड के पीछे नहा भागे। इसमें देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत बड़े बड़े टारगेट दे रखे हैं। अभी जैसे स्टॉक अभी 206 रुपये के आसपास चार्ज चल रहा है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें जो टारगेट दिए हुए हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन 220, 225, 255, हाँ वो टारगेट्स तक वो पहुँच भी जाएगा, मान लेते हैं पहुंच भी जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से जा भी रहा है। लेकिन इसमें इस कंपनी का सबसे बड़ा जो डिफॉल्ट क्या है पता है, इसका जो है इसका कर्जा दोस्तों, इसका कर्जा इसे ले डूब सकता है दोस्तों। तो आप लोग अगर वो जो टारगेट्स के पीछे जो भाग रहे हैं तो वो आपकी रिस्क है दोस्तों, आप अपना इनकम करके इससे निकल सकते हो, वो आपका रिस्क है। मैं कभी नहीं कहूंगा दोस्तों कि ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो आप इसमें आराम से अपना पैसा लगा के आराम से उसमें जो भी है टारगेट दिया हुआ है बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वहां से आप पैसा निकाल के आप आराम से निकाल के इंजॉय कीजिएगा, वो आपका है दोस्तों, उसमें भी मैं खुश रहूंगा। लेकिन ये जो कंपनी है दोस्तों ये डेप्थ रिटर्न है, और ब्रांड के पीछे कभी मत भागेगा दोस्तों, क्योंकि ब्रांड के चक्कर में इसके पहले ऐसा भी हुआ था किंगफिशर, आपको जरूर पता होगा दोस्तों, किंगफिशर में भी सेम कंडीशन हुआ था दोस्तों, उसके ब्रांड के पीछे भी बैंक ने से लोन दिए, आदमी इन्वेस्टर्स में पैसे लगाए, लेकिन क्या हुआ लास्ट में फुस हो गया ना तो यही चीज है कि ब्रांड के पीछे में नहीं, अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन इस कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कर्जा। अगर ये कर्जे को अगर कम करने की कोशिश करता कि कम कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर कम करने की कोशिश कर रहा है तब भी मैं ठीक मान लेता, यार ठीक है यार चलो, बहुत बड़ा ग्रुप ग्रुप का है, आदित्य बिरला का है, ठीक है यार सब कुछ ओके, लेकिन फिर भी दोस्तों हम छोटे रिटेलर्स हैं तो हमें अपने पैसे का ध्यान रखना है, ठीक है फ्यूचर में देखा जाएगा जब ये कर्जा मतलब घटा रहा होगा या कर्जा वो लेस कर रहा होगा तो हम देख लेंगे आगे रखने में क्या है, और भी तो कई सारी कंपनीज है ना, तो इस कंपनी को आप अपने रडार में रखिए, आपको ज्यादा पसंद है कंपनी को रडार में रखिए, अब इसको वॉच करते जाइए, इसके न्यूज को ट्रैक करते जाइए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कर्जा घट रहा है कि कर्जा बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो माफ कीजिएगा, ठीक है ओके।